नमस्कार साथियों, रफ़ी के हीरो इस शीर्षक से मैं 3 पार्ट अब तक अपलोड कर चुका हूँ। रफ़ी के हीरो पार्ट 1, रफ़ी के हीरो पार्ट 2, रफ़ी के हीरो पार्ट 3, और अब यह पार्ट 4, रफ़ी के हीरो पार्ट 4 आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस वीडियो में रफ़ी साहब द्वारा गाए हुए जिन 4 कलाकारों के ऊपर गाने हैं उनका एक संकलन किया गया है, जिन पर रफ़ी साहब की आवाज़ हूबहू मिलती है। इन 4 कलाकारों के नाम हैं विश्वजीत, जॉय मुखर्जी, संजय खान और अंत में ऋषि कपूर। यदि आप इस वीडियो को पूरा एंजॉय करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, आपको काफ़ी आनंद आएगा और आप इसका भरपूर लाभ उठा सकेंगे। ज्ञानवर्धक भी है ये और मनोरंजक भी है, दोनों चीज़ें हैं इसमें, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। किसी भी फिल्मी गाने के हिट होने में, पॉपुलर होने में, प्रसिद्ध होने में जिन 4 लोगों का सहयोग होता है वो है, सबसे पहले गीतकार, फिर संगीतकार, फिर गायक और अंत में अभिनेता जिसके ऊपर यह गाना फिल्माया जाता है। जब ये 4 चीज़ें अपनी जगह पे बहुत अच्छी तरह से प्रस्तुत की जाती हैं तो वो गीत अवश्य हिट हो जाता है। लेकिन इन 4 में यदि सबसे महत्वपूर्ण कहा जाए तो वो है जो गायक है, गायक की आवाज़, गायक की अदायगी, ये सबसे ज़्यादा महत्व। और रफ़ी साहब ने इसमें महारत हासिल की हुई थी। हर गाने को वह जिन हीरो के ऊपर फिल्माया जाता था उसकी आवाज़ के अनुसार, उसकी मैनरिज्म के हिसाब से वो गाने को गाते थे और वह गाना बहुत ही पॉपुलर हो जाता था। और आज भी इन गानों को जिनका मैं प्रस्तुतिकरण कर रहा हूँ आज भी लोग गुनगुनाते हैं। आप भी जब यह गाना सुनेंगे तो आपको अभी इसमें बहुत ही आनंद आएगा। तो चलिए रफ़ी साहब के द्वारा गाए गए गानों की कुछ झलक आपको इस वीडियो में प्रस्तुत करते हैं, जिसका शीर्षक है रफ़ी के हीरो पार्ट 4। रफ़ी के हीरो पार्ट 4 के पहले हीरो हैं विश्वजीत। तो चलिए रफ़ी साहब द्वारा गाए हुए कुछ पॉपुलर गानों की एक झलक आपको दिखाते हैं। इसमें पहला नंबर है गाने का, ये देखिए। फूल बनाया तो फूल को गुस्सा आया, वो मेरा क्या कसूर। पिक्चर का नाम अप्रैल फूल, ये 1964 में रिलीज हुई थी और इसमें आपने देखा रफ़ी साहब के गाने की अदायगी और साथ में विश्वजीत के झटके। अपने टाइम की एक बहुत पॉपुलर गाना था और इस समय भी अप्रैल के महीने में, खास करके 1 अप्रैल को इस गाने को हमेशा याद किया जाता है। चलिए अब दूसरे गाने की तरफ बढ़ते हैं। पिक्चर थी शहनाई, 1964 की रिलीज थी ये फिल्म और इसमें देखिए रफ़ी साहब ने कितने सुकून से यह गाना गाया है। एकदम अच्छा लगता है कि सीधे दिल को छू जाता है ये गाना। ये भी गाना अपने टाइम में बहुत पॉपुलर हुआ था। अब चलते हैं अगले गाने की तरफ। पिक्चर थी मेरे सनम, 1965 की रिलीज थी ये पिक्चर और ये जो गाना आपने सुना ये रफ़ी के माइलस्टोन गानों में से एक माना जाता है और ज़्यादातर महफिलों में जहाँ पे रफ़ी नाइट हो रही होती है मोस्ट ऑफ द सिंगर जो हैं इस गाने को ज़रूर गाते हैं
और गाना भी बहुत प्यारा है, बहुत अच्छे माहौल में गाया गया और रफ़ी साहब की आवाज़ में कितना दम है वो आपने ज़रूर इस गाने में देखा होगा। बहुत बढ़िया गाया रफ़ी साहब ने इस गाने को। अब आगे बढ़ते हैं। ये भी मेरे सनम का गाना है। अपने टाइम में मेरे सनम काफ़ी हिट हुई थी और इसके करीब करीब सारे गाने बहुत हिट हुए थे और इस पार्ट फोर में भी मैंने तीन गानों को सम्मिलित किया है। ये आपने देखा दूसरा गाना इसका, हमदम मेरे मान भी जाओ, बहुत ही बढ़िया गाना। और अब हम चलते हैं अगले गाने की तरफ। उसी फिल्म का यह तीसरा गाना था, हुए हैं तुम पे आशिक हम, खूब चला था ये गाना अपने टाइम का। आप याद कीजिए अपना टाइम, जब आप उस एज ग्रुप में होंगे तो आपने इस गाने को जरूर गुनगुनाया होगा। तो आगे बढ़ते हैं अब। फिल्म सगाई 1966 की रिलीज थी और ये गाना भी काफ़ी चला था और अपने टाइम का हिट गाना माना जाता था। न ये जमी थी न आसमां था। अब आगे बढ़ते हैं। फिल्म थी हरे कांच की चूड़ियाँ, 1967 की रिलीज थी और आपने इसमें रफ़ी साहब की आवाज़ की मेलोडी जरूर देखी होगी, कितनी मेलोडियस वॉइस थी रफ़ी साहब ने इस गाने को गाया। हालांकि ये गाना ड्यूएट है लेकिन इस गाने को रफ़ी साहब ने बहुत ही मेलोडियस वॉइस में गाया है और गाना यदि आप बंद कमरे में इस गाने को सुने तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। अब आगे बढ़ते हैं। फिल्म थी दो कलियां, 1968 की रिलीज थी और दो कलियां के दो तीन गाने काफ़ी हिट हुए थे और इसमें नीतू सिंह ने बाल कलाकार की भूमिका निभाई थी पहली बार और ये गाना काफ़ी हिट हुआ था। तो अब इसके बाद चलते हैं इस पार्ट फोर के दूसरे हीरो जॉय मुखर्जी और उन पे फिल्माया गया ये पहला गाना। ये डुएट गाना फिल्म एक मुसाफिर एक हसीना का है जो कि 1962 की रिलीज है और इस ये गाना भी अपने टाइम का एक माइलस्टोन गाना माना जाता है। हालांकि ये ड्यूएट गाना है लेकिन बहुत ही पॉपुलर गाना है अपने टाइम का। अब आगे बढ़ते हैं। फिल्म है फिर वही दिल लाया हूँ और ये गाना रफ़ी के वन ऑफ द माइलस्टोन गानों में गिना जाता है और ये भी रफ़ी साहब की महफिलों में खूब गाया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। फिल्म है फिर वही दिल लाया हूँ, ये पिक्चर फिर वही दिल लाया हूँ भी अपने टाइम में एक बहुत ही हिट पिक्चर थी और इसके भी गाने करीब करीब सारे ही बहुत हिट थे और ये गाना भी वन ऑफ द माइलस्टोन गाने में गिना जाता है। पिक्चर काफ़ी पॉपुलर थी और इसके सारे गाने करीब करीब बहुत ही हिट हुए थे। अब आगे बढ़ते हैं। बड़ा है वादा तेरा,
वही फिल्म है और ये इसका तीसरा गाना था जो आपने सुना, बहुत ही प्यारा गाना था। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये देखिए ये है पांचवा गाना। दिल पे करार सा है, कब को दुआर सा है, जब से तुम्हें। फिल्म थी इशारा, 1964 की ये पिक्चर थी, इनकी हीरोइन थी वैजंती माला, और ये एक वैसे तो ड्यूएट गाना है लेकिन रफी साहब की आवाज का जादू इस गाने में साफ दिखता है। अब आगे बढ़ते हैं। फिल्म है लव इन टोक्यो, 1966 की रिलीज पिक्चर है, और ये गाना हालांकि एक टाइटल सॉन्ग है लेकिन बहुत ही चला था गाना खूब अपने टाइम में, ये गाना भी बहुत पॉपुलर था। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिलीज ये पिक्चर थी शागिर्द, और इसमें रफ़ी साहब के साथ आपने देखा उस ज़माने के मशहूर कॉमेडियन IS जौहर को। IS जौहर साहब का रोल इसमें बड़ा ही बढ़िया था और ये पिक्चर काफ़ी दिलचस्प पिक्चर थी। फिल्म थी शागिर्द, तो ये आपने गाना सुना। अब आगे बढ़ते हैं। दिल की आवाज़ भी सुन, मेरे पसाने पे फिल्म थी हमसाया, 1968 की रिलीज थी, जॉय मुखर्जी के साथ इसमें शर्मिला टैगोर और माला सिन्हा, और बहुत ही बढ़िया पिक्चर थी। चाइनीज इन्वेशन के ऊपर बनाया गया था ये पिक्चर, और यह पिक्चर उस समय बहुत ही हिट हुई थी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इस सीरीज के तीसरे हीरो हैं संजय खान, तो संजय खान के ऊपर फिल्माए गए रफ़ी साहब द्वारा गाए हुए कुछ पॉपुलर फिल्मी गानों की झलक आपको दिखाते हैं, आप इसका आनंद उठाइए। दस लाख फिल्म थी 1966 की रिलीज, और ये गाना उस समय 10 लाख का, और कई गाने भी इसके हिट हुए थे, ये भी गाना वन ऑफ द हिट सॉन्ग्स था और बढ़िया गाना था ये। आगे चलते हैं। रफ़ी साहब की आवाज़ में आपने दर्द जरूर महसूस किया होगा इस गाने में, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वही फिल्म है 10 लाख, 1966 की रिलीज, और इस गाने का स्टाइल और जो पहले गाने का तरीका था वो आपने देखा, दोनों काफ़ी डिफरेंट है। सो गाने की सिचुएशन के हिसाब से, गाने के मीनिंग के हिसाब से रफ़ी साहब गानों को गाते थे, तो ये गाना आपने देखा। अब आगे बढ़ते हैं। की रिलीज यह पिक्चर थी अभिलाषा, और इसमें संजय के साथ बबीता हीरोइन थी, और ये गाना भी खूब चला था अपने टाइम में। वादिया मेरा बहुत सुकून से गाया हुआ यह गाना है, यदि आप इसको गौर से सुने तो आपको पूरा इसको एंजॉय कर सकते हैं। हालांकि डुएट गाना है लेकिन रफ़ी साहब की आवाज़ का जादू इसमें सिर्फ दिखता है। अब आगे बढ़ते हैं। फिल्म थी एक फूल दो माली, 1969 की रिलीज थी, और इसके भी गाने काफ़ी हिट हुए थे, और ये गाना भी अपने टाइम का हिट गाना था और बहुत पॉपुलर हुआ था। आगे बढ़ते हैं।
वही फिल्म है, फिल्म एक फूल दो माली 1969 की रिलीज। और ये गाना आपने सुना, रफ़ी साहब के दर्द को आपने भी महसूस किया होगा, बहुत ही दर्द भरी आवाज़ में रफ़ी साहब ने इस गाने को गाया था। अब आगे बढ़ते हैं। जो उनकी तमन्ना है '69 की रिलीज यह पिक्चर थी इंतकाम, और इसमें रफ़ी साहब ने एक परेशान आदमी की जो सिचुएशन होती है उसको देखते हुए बहुत ही अलग तरीके से इस गाने को गाया था। अब आगे बढ़ते हैं। गोरी के हाथ में जैसे ये चल्ला ऐसे हो किस्मत। फिल्म थी मेला 1971 की रिलीज, मुमताज इसमें हीरोइन दिखी है आपको। और ये गाने में आपने देखा कितना डिफरेंट स्टाइल है रफ़ी साहब के गाने का, गाने की सिचुएशन और गाने के बोल के हिसाब से रफ़ी साहब गानों को गाते थे, और उसी तरह से ठीक संजय खान ने भी इसमें एक्टिंग की थी। तो अब आगे बढ़ते हैं। फिल्म अब्दुल्ला 1980 की रिलीज यह पिक्चर थी, और इसमें जीना तमान इनकी हीरोइन है। ये गाना भी काफ़ी पॉपुलर हुआ था अपने टाइम में। और अब इस गाने के बाद हम चलते हैं इस सीरीज के चौथे हीरो ऋषि कपूर। लीजिए पहला गाना। फिल्म थी लैला मजनू 1976 की रिलीज थी, और ये गाना खूब चला था अपने टाइम पे। जितने आशिक हुआ करते थे वो जरूर इस गाने को गाते थे कभी ना कभी मौका देख के। तो ये गाना खूब पॉपुलर हुआ था अपने टाइम में। अब आगे बढ़ते हैं। है अगर दुश्मन मन, है अगर दुश्मन मन, हम किसी से कम नहीं 1977 की रिलीज है पिक्चर। फिल्म थी हम किसी से कम नहीं 1977 की रिलीज है पिक्चर थी, और यह कव्वाली इस गाने की बहुत पॉपुलर हुई थी। जगह जगह ये गाने आप सुने होंगे अपने टाइम में, ये बसते रहते थे ये गाने, खूब पॉपुलर हुआ था ये गाना हम किसी से कम नहीं का। अब आगे बढ़ते हैं। फिल्म अमर अकबर एंथनी मल्टी स्टारर मूवी थी, 1977 की भी यह रिलीज पिक्चर है, और इसमें अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना और ऋषि कपूर तीन हीरो थे, और उनके साथ हीरोइंस थी परवीन बॉबी, सवाना आजमी और नीतू सिंह। और ये कव्वाली आपने इस गाने में खास करके रफ़ी साहब की आवाज़ का वेरिएशन बहुत देखा होगा, अलग अलग स्टेजा में इन्होंने अलग अलग आवाज़ को वेरी करके इस गाने को गाया है, और बहुत ही ये कव्वाली अपने टाइम की बहुत पॉपुलर कव्वाली रही है। आगे चलते हैं। यह भी फिल्म अमर अकबर एंथनी का गाना है, और यह गाना काफ़ी पॉपुलर हुआ, और आजकल भी जहां वो शिरडी के साईं बाबा वाले लोग उसका प्रचार करते हैं इस गाने को जरूर बजाते हैं। गाना अपने आप में बहुत पॉपुलर था, और रफ़ी साहब ने इसको बहुत ही सलीके से गाया था इस गाने को। अब आगे बढ़ते हैं।
फिल्म है सरगम, 1979 की रिलीज यह पिक्चर थी। यह पिक्चर भी काफ़ी हिट हुई और उसके करीब करीब 4-5 गाने बहुत ही हिट हुए थे। ये उनमें से एक गाना मैंने आपको सुनाया, इसकी झलक आपको सुनाई। तो ये गाना राम जी की निकली सवारी अक्सर जहाँ जहाँ भी रामचंद्र जी से रिलेटेड फंक्शंस होते हैं वहाँ वहाँ इस गाने को जरूर बजाया जाता है, खास करके जहाँ पे कि उनके लिए झांकियाँ निकलती हैं रामचंद्र जी के लिए, वहाँ पे ये गाना जरूर बजाया जाता है, राम जी की निकली सवारी और राम जी की लीला है न्यारी। बहुत प्यारा गाया रफी साहब ने इस गाने को। सरगम फिल्म का यह गाना है जो 1979 में रिलीज हुई थी, और यह गाना भी अच्छा पॉपुलर गाना था, उतना हिट तो नहीं हुआ था लेकिन गाने के हिसाब से, फिल्म के सिचुएशन के हिसाब से यह गाना बहुत अच्छी तरीके से गाया गया था। तो अब आगे बढ़ते हैं। '80 की यह पिक्चर रिलीज थी, फिल्म थी कर्ज, और इसमें आपने रफ़ी साहब के गाने की अदायगी जरूर देखी होगी, एक अलग ही टोन में रफ़ी साहब ने इस गाने को गाया था, बहुत ही प्यारा गाया था गाना और ये काफ़ी हिट हुआ था गाना अपने टाइम में। अब चलते हैं आखिरी गाने के ऊपर। फिल्म थी नसीब, 1981 की रिलीज, यह भी मल्टी स्टारर पिक्चर थी, अमिताभ बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा और ऋषि कपूर। और ये गाना आपने देखा और रफ़ी साहब के गाने का तरीका देखा, उनकी आवाज़ की वेरिएशन देखी, बहुत ही अच्छा गाया और गाना खूब चला था, चल चल मेरे भाई, और अमिताभ की एक्टिंग भी इसमें देखने लायक है। ये गाना बहुत ही पॉपुलर हुआ था अपने टाइम में। तो अब तक आप, मैंने आपको रफ़ी साहब के हीरो पार्ट 4 में विश्वजीत, जॉय मुखर्जी, संजय खान और ऋषि कपूर के ऊपर फिल्माए गए कुछ प्रसिद्ध और पॉपुलर फिल्मी गानों का संकलन आपके समक्ष रखा। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह पसंद आया होगा। ये गाने मैं पूरा नहीं सुना सकता, कुछ मजबूरी है उसके लिए YouTube की तरफ से, लेकिन यदि इनमें से कोई भी गाना आपको अच्छा लगता हो तो आप उसको YouTube पे जाके गाने को पूरा सुन सकते हैं और उसको एंजॉय कर सकते हैं, आनंद उठा सकते हैं। तो देखिए इस सीरीज को रफ़ी के हीरो पार्ट 4 शुरू से अंत तक देखिए और पूरा इसका आनंद उठाइए और अपना समय याद कीजिए, आपको रियली आनंद आएगा और आप खुश रहेंगे। तो इसी के साथ यह पार्ट 4 मैं यही समाप्त करता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आप इसे लाइक करेंगे, आप इसको शेयर करेंगे और आप अपने कमेंट भी भेजिए कैसा लगा आपको, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कीजिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस सीरीज को यही ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।